वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका दोस्त तेजस और मेरी चैनल कोडिंग मैश में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी के बारे में। एक बेहतरीन टॉपिक है बाइनरी नंबर्स। वैसे तो हम सब जानते ही है बाइनरी नंबर्स का यूज़ कहाँ पर, मोस्ट ऑफ मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी नंबर्स में होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए बाइनरी नंबर्स। सबसे पहले तो हम जान लेते कि बाइनरी नंबर्स के अंदर क्या होता है। तो बाइनरी नंबर्स का वेट जो है वो दो है। वेट दो है मतलब कि उसके अंदर दो ही नंबर होंगे। फिर आता है नंबर्स कि कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो नंबर्स के अंदर है ज़ीरो और वन। उसके बाद है उसका बेस भी दो ही होगा, जितना वेट होगा उतना ही उसका बेस होगा, तो बेस भी दो ही है। अब हमने यहाँ पर उसके वेट के बारे में कहा कि उसका वेट दो है। दो है यानी कि उसके अंदर दो नंबर्स होंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ज़ीरो और वन, ये दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे की जो नंबर सीरीज है वो कैसे बनेगी, तो मैंने आपको जैसे बताया कि रिपीटेशन वाली चीज़ होगी, यानी कि यहाँ ज़ीरो वन का रिपीटेशन दोनों का होगा। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग जो होगी वो पहले ये वन के साथ ज़ीरो का रिपीटेशन, फिर वन के साथ वन का, उसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें मिलेगी 100 101 1000। ये कहाँ से हुई, तो सेकेंड वाली ज़ीरो के साथ रिपीटेशन, सेकेंड वाली वन के साथ रिपीटेशन, तो 100 101। फिर इसका इन दोनों के साथ, तो 110 110 111, तो 111। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली यहाँ से रिपीटेशन होगी 100 से 0, तो 1000। फिर 1001, तो 1001। फिर 1010 1010, उसी तरह से कंटिन्यूसली चलती जाएगी 4 times 1 तक। फिर नेक्स्ट है वो हम बोल रहे थे कि उसका बेस दो है। अब बेस दो है यानी कि यहाँ पर दो नंबर्स के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ होने वाली है। तो बेस दो है तो हम उसको पहले तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 2 4 8 16 32 64, ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं वो 2 की पावर के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 raised to 0 यानी कि 1, 2 raised to 1 यानी कि 2, 2 raised to 2 यानी कि 4, 2 raised to 3 यानी कि 8 4 5 6, ऐसे ये जो है वो पोजीशन दिखाती है। ये ज़ीरो पोजीशन है, वन पोजीशन, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था कि ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी। जितना बड़ा आपका नंबर होगा उतनी बड़ी पोजीशन क्रिएट होगी। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता ही दिया कि 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 3, उसी के हिसाब से पोजीशन नंबर्स दिए हुए हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि बाइनरी के अंदर हमें ये 1110 और डेसिमल के अंदर वो 14 होता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ, बस जस्ट। सबसे पहले तो हमने इस बेस वैल्यू के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया कि ये 14 बना कैसे, यहाँ पर जो ये 0111 है वो बना कैसे। तो हमने पहले यहाँ पर बाइनरी नंबर्स ले लिए 1110, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1110। अब हम हमेशा से जैसे करते आए हैं वैसे ये राइट साइड से हम लेफ्ट साइड तक जाएंगे। तो ये राइट साइड वाला हिस्सा है, यहाँ से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो राइट के अंदर हमें ज़ीरो मिलेगा। तो ज़ीरो यानी कि पोजीशन नंबर फर्स्ट, यानी कि ज़ीरोथ पोजीशन। तो ज़ीरोथ पोजीशन पे 2 raised to 0, फिर ऐसे एक एक पोजीशन बढ़ाते जाएंगे 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3। फिर उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है, ये 8 है, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0 ही रहेगा। तो इन सभी का हम प्लस करेंगे। ये डेसिमल नंबर है, आप यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है डेसिमल के। यहाँ पर मैंने आपको कन्वर्जेशन भी थोड़ा बहुत बता दिया कि ये कैसे हुआ वो। तो यह हमने कन्वर्ट किया है 14 को डेसिमल के अंदर। अब ये जो 14 को हम उसको बाइनरी के अंदर हम इस तरह से लिखते हैं। अभी ये जो लिखा है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ कि कैसे लिखना है, क्योंकि ये ख़त्म होने के बाद हम कन्वर्जेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर बात तो कर ही ली है बाइनरी की, तो हम उसके थोड़े बहुत ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। तो ऑपरेशंस के अंदर हम सबसे पहला ऑपरेशन देखेंगे वो है एडिशन का ऑपरेशन। तो एडिशन के अंदर हम पहले एक
स्ट्रिंग ले लेते हैं बाइनरी की, तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो है वो पूरा बाइनरी के अंदर है। हम यहाँ पर एडिशन करने वाले, तो एडिशन के लिए पहले तो मैं आपको रूल्स भी बता देता हूँ कि हम एडिशन कैसे करेंगे बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पर आप टेबल के अंदर देख सकते हैं मैंने रूल्स लिखे हुए हैं कि कैसे एडिशन करना है। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स हम समझ लेते हैं कि कैसे एडिशन करना है। तो सबसे पहला जो है वो है ज़ीरो और ज़ीरो, यानी कि दो ज़ीरो को हम ऐड करेंगे तो हमें ऑब्वियसली पता ही है कि ज़ीरो ही मिलने वाला है। फिर ज़ीरो और उसके साथ वन को ऐड करेंगे तो भी हमें पता ही है कि वन प्लस ज़ीरो करेंगे तो वन ही मिलेगा। यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया है, वन एंड ज़ीरो किया तो उसका भी वन ही मिलेगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, यहाँ पर वन और वन ज़ीरो मिलेगा आपको, और यहाँ पर C इक्वल्स टू वन लिखा है, C यानी कि कैरी लिखी है मैंने, कैरी इक्वल्स टू वन यानी कि उसकी कैरी वन होगी। अब ये जो हुआ वो कैसे हुआ, तो हमने आगे जैसे सीरीज देखा था कि सीरीज के अंदर क्या था कि ज़ीरो और वन, उसके बाद वन ज़ीरो, फिर यहाँ पर वन वन, फिर उसके बाद ऐसे वन डबल ज़ीरो था, तो इस तरह से पूरी कंटिन्यू चल रही थी। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक के साथ एक और एक को ऐड कर रहे हैं, यानी कि वन के साथ और वन को ऐड करेंगे। तो हम जैसे पहले जाते थे, यहाँ पर मैंने कॉलम में सीरीज लिखी हुई है, आप अगर चाहे तो रो के अंदर भी ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हम कैसे पहले वाले में कैसे जाते थे, प्लस करना है तो हम आगे जाएंगे, माइनस करना है तो पीछे जाएंगे, तो उसी तरह से यहाँ पर वन तो था ही ऑलरेडी और एक और वन का स्टेप मिल गया। यहाँ पर वन तो है ही ऑलरेडी, एक और वन का स्टेप यानी कि वन ज़ीरो। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जो लास्ट वाला होगा वो हमारा आंसर होगा और आगे वाला जो होगा वो कैरी के अंदर जाएगा, तो आगे वाला जो है वो कैरी के अंदर गया। तो अब यहाँ पर हम पहला ही ऐसा है वन और वन, यानी कि आंसर में हमें मिलेगा ज़ीरो और कैरी जाएगी वन। अब यहाँ पर फिर से वही बन रहा है वन और वन, तो हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा ज़ीरो, कैरी जाएगी आगे वाले के अंदर वन, और यहाँ पर ज़ीरो जो मिला वो ज़ीरो के साथ ऐड होगा तो फिर से ज़ीरो। फिर आगे यहाँ पर वन एंड ज़ीरो ऐड होंगे तो वन मिलेगा, और वन एंड हो गए तो फिर से ज़ीरो मिलेगा, और फिर से आगे एक और कैरी फॉरवर्ड होगी। फिर वन और वन होगा तो ज़ीरो मिलेगा, और आगे यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगी, और ज़ीरो और ज़ीरो होगा तो अगेन ज़ीरो मिलेगा, और जो कैरी फॉरवर्ड थी वो और ये वाला ज़ीरो फिर से वन हो जाएगा। फिर जो आगे की ये तीन स्ट्रिंग है वो जैसी की थी वैसी की वैसी ही हमें मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर सारे तीन क्रॉस होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया एडिशन के अंदर, सबसे आसान एडिशन है। अगर आपको चाहिए तो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपली आप सिर्फ देखिए। अब यहाँ पर हमें एक आगे कैरी जो मिली वो हमें यहाँ नीचे आंसर में ऐड करनी है, जैसे रूल्स था वैसे ही हम जो भी बचेगा वो आगे ही ऐड होगा, तो ये हमारा इसमें भी आंसर आ गया। तो ये तो सबसे सिंपल है इसका एडिशन, यानी कि बस आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, उसी के हिसाब से आप एडिशन आराम से कर सकते हो इसके अंदर। अब जो ये नेक्स्ट है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर भी मैंने रूल्स लिख दिया है कि 0 माइनस 0 यानी कि 0 होगा, फिर 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 मिलेगा हमें, फिर 0 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ गड़बड़ होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपली यही होगा कि यहाँ पर हमने 0 में से 1 को निकालना चाहा, बट हमें यहाँ पर 0 जो 1 से छोटा है तो हमें यहाँ पर और दो नंबर्स चाहिए, एक इसको सेटिस्फाई करने के लिए और एक जो बचा रहेगा वो हम आगे वाले को भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आगे वाले से बोरो मांगते हैं कि हमें दो दे दे,
तो हमने दो ले लिए, दो वन ले लिए और एक वन को आंसर में दे दिया, एक वन को आगे वाले को भेज दिया वापस जो बचा था वो। वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि कैसे वो होता है, हमने इसीलिए इस तरह से का एग्जांपल लिया हुआ है। फिर ये तो वन माइनस वन यानी सिंपली ज़ीरो हो गया, तो ये था रूल्स उसके। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की ओर आते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर सबसे पहला है वो यहाँ पर है ज़ीरो माइनस वन, तो पहला ही हमारा धमाका हो गया, पहला ही है ज़ीरो माइनस वन। अब यहाँ पर क्या करें, ज़ीरो माइनस वन में तो इस तरह से वन वन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आगे वाले से हमें बोरो लेना है, तो आगे वाले से हम दो का बोरो लेंगे तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं, ये जो 10 लिखा है वो हमें बाइनरी में लिखा हुआ है, उसका डेसिमल के अंदर 2 नंबर होगा, यानी कि दो का बोरो हमने लिया। तो एक तो हम इससे सेटिस्फाई कर लेंगे, दो में से एक निकालेंगे तो एक बचेगा, और आगे वाले से हमने जो लिए है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो बचा है ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो यानी कि ज़ीरो। फिर जो आगे है वहाँ यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो क्रॉस ही होगा, तो क्रॉस के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली डायरेक्टली लिख दो। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया 1001। अब मैं आपको यहाँ पर ऐसा दिखाता हूँ कि यह आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है। तो करेक्ट है कि नहीं वो तो इसको सिंपलीफाई करना होगा, मतलब कि इसको डेसिमल के अंदर लाना होगा, तो डेसिमल के अंदर इसकी वैल्यू होगी 1248, यानी कि ये 8 और 2 10, ये हो गए 10, ये 1 और 2 यानी कि ये ओनली 1 ही है, तो ये हो गया 1, और 10 में से एक निकालेंगे तो ये 9 हो गए, तो ये भी 9 नंबर है, 1 2 4 8, 8 और 1 यानी कि 9 हो गए, तो हमें ये करेक्ट आंसर मिल गया। तो हमारा ये जो रूल है वो काम कर गया। तो ये रूल एकदम सिंपल है, बस आपको आगे वाले से दो नंबर का बोरो लेना है और यहाँ पर इसको देना है, फिर दो में से जितने भी यहाँ पर होंगे, अगर ज़रूरत तो एक ही होगी क्योंकि इसके अंदर हमें दो नंबर के साथ ही खेलना है, 0 और 1 के साथ। तो बस यार आज के लिए इतना ही, अब हम आगे वाले वीडियोस में मिलेंगे, तब हम कन्वर्जेशन सीखेंगे। तो यार अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।